हेलो चैन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, यू नो दैट वी आर रिवाइजिंग आवर चैप्टर वन, चैप्टर फर्स्ट। हम लोग चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं फर्स्ट को। ओके, आज का हमारा रिविजन टॉपिक है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, पहले आप साइन देखते हैं ग्रेटर देन लेस देन का। ग्रेटर देन का साइन होता है सिंबल होता है ये। लेस देन का सिंबल होता है ये, और इक्वल टू का सिंबल होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, इसको इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ये हमें जानना है। ओके, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं इसका यूज करने के। जैसे ये हम क्वेश्चन दे रहे हैं फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन इक्वल। ठीक है, इसको प्रयोग करना है और ब्लैंक फिल ब्लैंक करना है। ठीक है, 69 74 बी 76। ठीक है, सी 39 बी। ठीक है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दे दिए। ओके, अब ये हमें साइन का प्रयोग करना है। ओके बेटा, साइन का प्रयोग करना है, चिन्ह का प्रयोग करना है इसमें। तो ये देखेंगे कि ये कितना नंबर है, 69 है, ये ज्यादा है। तो ग्रेटर देन का चिन्ह ये है, लेस देन ये है, इक्वल टू ये है। कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना, कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना। ठीक है, तो कंपेयर करिए, दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, यह जो नंबर है इस नंबर से क्या है, छोटा है। कंपेयर तो ऐसे ही करेंगे ना, ऐसे ही हम तुलना करेंगे, पता करेंगे यह जो नंबर है इस नंबर से छोटा है, यह जो नंबर है इस नंबर से छोटा है, यानी दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, लेस देन का यहां से लगेगा। ठीक है बेटा, लेस देन लगेगा, यह जो नंबर से दिस बात का नंबर इस नंबर से छोटा है, तो लेस देन का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे साइन लगेगा। एंड यहाँ कंपेयर करते हैं, 80 इज ग्रेटर देन 76, 80 जो है ज्यादा है 76 से, तो किस चीज, 80 ज्यादा है ये कम है, 80 ज्यादा है ये कम है, तो ये ज्यादा है तो किस चीज का कौन सा सिंबल लगेगा, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन, 80 इज ग्रेटर देन 76, 80 इज ग्रेटर देन 76, 39 है। ओके बेटा, 39 दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर, यह नंबर इस नंबर बराबर है, तो यहाँ इक्वल टू का साइन जाएगा। 24 यह नंबर छोटा है इस नंबर से। ठीक है, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। ठीक है बेटा, बहुत इजी है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट थिंग देखते हैं, बिग बिगर बिगेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। ठीक है बेटा, अब इसको हम समझाते हैं बिग क्या होता है, बिगर क्या होता है, बिगेस्ट क्या होता है। बिग मीन्स होता है बड़ा, अब जानते हैं बिग मीन्स होता है बड़ा, ठीक है। लेकिन हमें बिगर भी देखना है, बिगेस्ट भी देखना है। बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है, कहेंगे आई एम यू आर ए बिग, ठीक है। तो मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, बड़ा है, और एक सर्कल और बनाते हैं, ठीक है, समझ में आया है, थोड़ा और बड़ा करते हैं, ये एक सर्कल और बड़ा करते हैं, ठीक है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और एक सर्कल और हम बनाते हैं, ये भी बड़ा है, ठीक है। तब इसका प्रयोग बिग बिगर बिगेस्ट का प्रयोग कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई एक सर्कल है, कोई भी यही है, यहां और कोई सर्कल नहीं है, बिग दिखेंगे, ठीक है, और एक छोटा हो तो स्मॉल हो जाएगा, ये बिग है, ये इससे छोटा है, ये बिग है, क्या है, यह बिग है। अब बिगर क्यों है, यह बिगर क्यों, इससे कंपेयर करेंगे, केवल दो से बेटा कंपेयर करेंगे, बिगर के लिए हम केवल दो सर्कल कंपेयर करेंगे, हम तीनों सर्कल को नहीं लेंगे, ठीक है। तो इससे यह बड़ा है, इससे यह सर्कल बड़ा है, क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, दिस सर्कल इज बिगर देन दिस सर्कल, ठीक है। जब दो वस्तुओं के बीच, सीधी सी बात सुनिए, जब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों या कहीं भी कोई भी दो चीज हो, दो थिंग्स है, उसके बीच जब हम कंपेयर करेंगे तो बिगर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जब दो से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, आठ हो, नौ हो, दस हो, तो वहां उसमें जो सबसे बड़ा होगा, अगर मान लीजिए दस स्टूडेंट हैं, जो दस स्टूडेंट्स में जो सबसे बड़ा है ना बेटा, उसे क्या कहेंगे, बिगेस्ट कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, सोचिए दस स्टूडेंट हैं क्लास में, आपके कितने हैं, दस स्टूडेंट हैं, टेन स्टूडेंट्स हैं, टेन हैं, जो टेन स्टूडेंट्स में जो सबसे बड़ा है, समझ लीजिए, तो उसे बिगेस्ट कहेंगे, ठीक है। वो तो स्टूडेंट की बात होगी, वहां बिगेस्ट हम केवल समझाने के तत्पर में बता रहे हैं, वो होगा टैलेंट, उसका वर्ड जो प्रयोग होगा वो टैलेंट के शब्द में होगा, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं तो बिगेस्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिगेस्ट होगा। अब दो चीजों के बीच में जो बड़ा चीज है, दो चीजें जैसे यहाँ दो सर्कल के बीच में प्रयोग किए गए हैं, तो इसका कंपेयर करेंगे, इसको हटा देंगे, अगर इसको तो ये क्या होगा, बिगर है, इन दोनों के बीच यह बिगर है, हम तीनों में जब कंपेयर करेंगे तीनों में ये बिगेस्ट हो जाएगा, यानी तीनों से बड़ा यह, इससे बड़ा यह, ये बड़ा, बस इतना समझिए, इन तीनों से बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है, ये सिर्फ अपने आप में बड़ा है, बिग है, ठीक है। लेते हैं स्मॉल, 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 अब देखिए
उल्टा हो गया आपको, स्मॉल में छोटा होता है ना, छोटा आता है, ठीक है, तो ये छोटा है, स्मॉल है, अब स्मॉलर इससे छोटा या है, इससे छोटा या है, दो दो सर्कल इसको हटा देते हैं, दो सर्कल के बीच में हमने कंपेयर किया, ये स्मॉल हुआ, और स्मॉलर जब इतना हो तो दो चीजें, जब दो में सब जब दो सर्कल है उसमें जो छोटा होगा, दोनों के बीच में जो छोटा होगा उसे स्मॉलर हम कहेंगे, ठीक है, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, यानी थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, सिक्स हो, सेवन हो, एट हो, नाइन हो, जितना भी हो उसमें जो सबसे छोटा होगा क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, क्या होगा बेटा, स्मॉलेस्ट होगा, ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है, समझ में आया, बिगर बिग बिगर बिगर बिगेस्ट और स्मॉल स्मॉलेस्ट स्मॉलर, समझ में आया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स ट्राई सिक्स है, लेट्स ट्राई सिक्स आप लोग ट्राई करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग पूछिएगा हम बताएंगे, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, अब रिवीजन चल रहा है तो आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है,